देश भर में बीफ बैन का समर्थन करने वाली बीजेपी की सियासत और हकीकत में कितना अंतर है, ये चुनाव आयोग को दिए गए बीजेपी को चंदा देने वालों की लिस्ट से सामने आया है। इस लिस्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की उन तीन कंपनियों ने भी बीजेपी को मोटा चंदा दिया है जो बीफ का कारोबार करती है। महाराष्ट्र कंपनी टाइगोरिफिको अलाना प्राइवेट लिमिटेड ने बीजेपी को 50 लाख रुपए चंदा दिया है। इससे पहले भी यह कंपनी साल 2013-14 में बीजेपी को 75 लाख का चंदा दे चुकी है। इंडियाग्रो फूड्स लिमिटेड ने भी 75 लाख का चंदा बीजेपी को दिया है। इसके अलावा एक तीसरी कंपनी टाइगेरियो कॉन्जेरवा अल्लाना लिमिटेड ने भी पार्टी को 50 लाख रुपए का चंदा दिया। ये तीनों कंपनियां बीफ के कारोबार से जुड़ी है। 20,000 से ज्यादा चंदे की रकम की जानकारी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग को देनी होती है, जो मैंडेटरी है, और इसी जानकारी में सामने आया है। बीजेपी जो कि बीफ बैन का समर्थन करती है, बीजेपी के कई नेता बीफ बैन को लेकर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। चुनाव आयोग को जो पार्टी ने अपने चंदे के बारे में पूरा लेखा जोखा दिया है, उसमें बात सामने आई है कि इसमें कई ऐसी कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया है जो कि बीफ का कारोबार करती है, और ये उन कंपनियों के नाम है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। वर्षा अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, अब सवाल है कि बीजेपी के वो नेता जो कि बीफ बैन को लेकर तमाम तरह की बात करते हैं, वो अब क्या जवाब देंगे? देखिए, पर बहुत जवाब देना मुश्किल होगा। ये पार्टी ने एक रुख लिया था बीफ को लेकर, और इसमें तमाम नेताओं ने बढ़कर कर हिस्सा लिया और बोला, इसमें तमाम नेताओं ने बढ़कर कर हिस्सा लिया और बोला, बयान दिया कि बीफ पर बैन होना चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को दिए गए जो कौन कौन चंदा दिया, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि तीन कंपनियां हैं जो कम से कम 50 लाख से ऊपर चंदा देने वाले हैं, 50 लाख देने वाले, 75 लाख देने वाले, जो बीफ एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है। और इसमें साफ तौर पर तमाम, इसलिए जब आज बीजेपी के कई प्रवक्ताओं से हमने बात करने की कोशिश की, तमाम लोगों ने बात करने से मना कर दिया कि वो इस मसले पर बात नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का एहसास है कि क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो बीफ बैन को लेकर तमाम टीवी चैनलों से लेकर तमाम जगहों पर बाइट दे रहे थे कि इसको बैन होना चाहिए, लेकिन उसका जवाब उनके पास कोई नहीं है कि आखिर ऐसी कंपनियों से चंदा क्यों लिया गया। क्योंकि अगर चंदा जब लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कंपनी दे रही है, या कम से कम इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर ऐसी कंपनियां जो बीफ एक्सपोर्ट कर रही है, कंपनियों को देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस पर जवाब क्या तैयार होकर के सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें 24 के साथ।